Hello students, I am Abhishek Kumar and today I am going to have a lecture of electricity that is useful for standard 10th. Now, let us start. Electricity. We have to study about electricity. Then first of all, we have to know that what is electricity. देखो बाबू यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें जानना है. आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो क्या कहता है, इलेक्ट्रिसिटी इज द सेट ऑफ फिजिकल फेनोमिना एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस एंड मोशन ऑफ मैटर दैट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? आज के डेट में हम लोग जानते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी क्या है बाबू. इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स है एनर्जी का, बस इतना ही जानते हैं और हमारा काम चल जाता है बाबू. लेकिन डेफिनेशन देखो यहाँ हमने लिख दिया है ताकि इससे विशेष समझ में आए. आसपास हमारा जो भी फिजिकल फेनोमिना हो रहा है, जो भी भौतिकीय घटना हो रही है, और उस घटना में जब चार्ज की बात आ जाती है तो वो क्या हो जाता है हमारा, और कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन गति और चार्ज की बात आती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है बाबू. तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब पढ़ रहे हैं तो इसमें चार्ज को जानना जरूरी हो जाता है बाबू. देखो क्या जानना जरूरी होता है, चार्ज जानना जरूरी हो जाता है बाबू. तो अब चार्ज के बारे में देखो बाबू, चार्ज कितने तरह के होते हैं, चार्ज कितने तरह के होते हैं बाबू. तो हम लोगों ने देखा है अभी तक चार्ज मेनली दो तरह के होते हैं. कौन कौन होते हैं बाबू? एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज. आप लोगों ने जाना है पहले ही, ये तो पहले ही क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा था, यहाँ कुछ नई नहीं है. आपने देखा ही था कि चार्ज कितने तरह के हो जाते हैं बाबू, दो तरह के. देखो टाइप्स ऑफ चार्ज अगर लिख दिया तो दो तरह का कह देंगे हम, तो एक हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हो जाएगा निगेटिव चार्ज. अब आप देखो पॉजिटिव चार्ज को कहीं कहीं प्लस वी चार्ज भी लिखा जाता है, कहीं कहीं निगेटिव चार्ज को माइनस वी चार्ज भी लिखा जाता है. ये इसका शॉर्ट फॉर्म है बाबू. ये क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म है बाबू. अब चार्ज का जब हम स्टडी करते हैं तो चार्ज को जब स्टडी करेंगे तो इनको दो भागों में बांट करके स्टडी कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज. तो बाबू देखो एक यहाँ पे आ जाता है बाबू लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज. क्या जाता है बाबू, लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज. तो लाइक चार्ज क्या हुआ बाबू, तो देखेंगे लाइक चार्ज की जब भी बात की जा रही है बाबू तो ये दूसरे नाम से भी जाना जा सकता है. जैसे लाइक चार्ज को हम लोग सिमिलर चार्जेस भी कह सकते हैं, हम लोग सिमिलर चार्जेस भी कह सकते हैं, या इसको लाइक चार्ज भी कह सकते हैं, लाइक चार्जेस. तो आप बताओ अगर एक चार्ज हमने प्लस वाला ले लिया तो इसका सिमिलर या लाइक चार्ज कौन सा होगा, प्लस वाला. अगर माइनस वाला ले लिया हमने और पूछा जाए इसका सिमिलर या लाइक चार्ज कौन हो जाएगा, तो माइनस वाला बाबू. तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी याद रखना है, सिमिलर चार्जेज या लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर. क्या होगा बाबू, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को धक्का देते हैं. जब भी एक समान चार्ज होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा बाबू, धक्का देगा. एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा बाबू. इसका हम लोग प्रयोग भी करके देखे हैं 8th क्लास में, चलो नहीं देखे हैं तो आगे जरूरी होगा तो देखेंगे. दूसरा होता है बाबू अपोजिट चार्जेस. क्या होता है बाबू, अपोजिट चार्जेस. तो अपोजिट चार्जेस मतलब क्या हो गया बाबू, अनलाइक चार्ज. क्या हो जाएगा, अनलाइक चार्जेस. तो अनलाइक चार्जेस कहने का मतलब क्या होता है बाबू, जब भी हम लोग पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो इसका अनलाइक या अपोजिट माइनस वाला हो जाएगा. जब भी माइनस वाले की बात करेंगे तो इसका अपोजिट या अनलाइक जो चार्ज होगा वो बाबू पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा.
तो अपोजिट चार्जेस के बारे में कहा जाता है, दे अट्रैक्ट ईच अदर। देखो अब क्या होगा, दे अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो लाइक चार्ज क्या करेगा बाबू, रिपेल, और ये क्या करेगा अट्रैक्ट, क्या करेगा बाबू अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। अब चार्जेज का यूनिट बाबू क्या होता है, तो हम लोग यूनिट पढ़ते हैं तो आप सभी को पता है कि एक टर्म आता है एसआई यूनिट। बाबू बहुत सारा यूनिट हम लोग यूज कर सकते हैं, एमकेएस, एफपीएस, बहुत सारा तरह का होता है, सीजीएस, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जब भी हम लोग कोई स्टडी करते हैं तो इसके लिए अभी के समय में एक एसआई यूनिट निर्धारित की जाती है किसी भी क्वांटिटी के लिए। उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी की है या नहीं की है, फर्दर क्लास में आएगा तो करेंगे। यहाँ पे देखो बाबू, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, किसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, चाहे किसी चार्ज के बारे में स्टडी करें, उसका एसआई यूनिट होता है कूलम्ब। क्या होता है बाबू, कूलम्ब होता है। तो कूलम्ब मतलब आप लोग क्या समझ गए बाबू, कूलम्ब मतलब सीधे सी, इसको शॉर्ट फॉर्म में सी से लिखा जाता है। कूलम्ब को बाबू शॉर्ट फॉर्म में किस चीज से लिखा जाता है, सीधे सीधे सी से लिखा जाता है बाबू। अब आता है जब हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ना हो जाता है बाबू, प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ना हो जाता है बाबू। तो आप सभी जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों अलग अलग चीज है। प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल होता है बाबू और इलेक्ट्रॉन निगेटिव पार्टिकल होता है। प्रोटॉन क्या होता है बाबू, पॉजिटिव पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव पार्टिकल होता है। तो जब भी चार्ज की बात करेंगे तो वन यूनिट चार्ज की बात करेंगे, तो जब प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे तो सेम चार्ज होगा लेकिन उसको प्लस के साथ लिखेंगे। तो चार्ज कितना हो जाता है बाबू, 1.6 × 10⁻¹⁹, क्या हो जाएगा बाबू, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। यदि कहता है प्रोटॉन पे कितना चार्ज है तो ये प्लस में लिखा जाएगा, प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन पे क्या कहेगा चार्ज, तो लिखेंगे 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब माइनस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाबू, निगेटिव पार्टिकल होता है, प्रोटॉन क्या होता है बाबू, पॉजिटिव पार्टिकल होता है। अब बाबू इसमें एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में पढ़ना होता है, जिसमें पूछता है इलेक्ट्रॉन का संख्या, तो देखेंगे बाबू जरा सा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एक दो बार ही एग्जाम में पहले आ भी चुका है, तो ये है तो एक नंबर में आता है, सीधे सीधे बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन हम लोग चलो इसको बना करके देखेंगे कि आखिर होता कैसे है। तो क्वेश्चन आपका जो है एनसीईआरटी बुक से है, जिसको हम लोग देखेंगे। कहता है कैलकुलेट द चार्ज, जा कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम्ब ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं बाबू, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो बाबू देखो हम लोग क्या जानते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होगा बाबू, क्या होगा चार्ज बाबू एक इलेक्ट्रॉन के पास, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है बाबू, लिख दे, वी नो दैट वन इलेक्ट्रॉन हैज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब चार्ज। यानी कि बाबू इसको जरा हम लोग ध्यान दे तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना कूलम्ब चार्ज है, तो एक कूलम्ब चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के पास होगा, तो 1/this, क्या कह सकते हैं बाबू, 1/this। इसको हम लोगों ने यूनिटरी मेथड की तरह बनाना है, तो इसको लिख सकते हैं इफ वन कूलम्ब चार्ज अगर हमारे पास है, इफ
चार्ज इज 1 कूलम्ब देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है बाबू 1/1.6×10⁻¹। बाबू चूंकि ये नंबर निकाल रहे हैं तो नंबर निकालते हैं तो उसका यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिट होता ही नहीं है, यूनिट नंबर का नहीं होता है बाबू। अब देखो ये सॉल्व करना है तो यहाँ पे ये पॉइंट गैर करेंगे तो एक जीरो आ जाएगी बाबू, तो ये 10/16 और ये 10^-19 है, ऊपर फेंक दिया हमने इसको, ऊपर फेंक दिया तो ये 10^19 सीधे आ जाएगा बाबू। अब देखो 10 में डिवाइड करेंगे 16 से, 10 में जब डिवाइड करेंगे 16 से तो क्या रिजल्ट आएगा बाबू, देखो यहाँ पे 0.16 96 4 0 16 × 32 8 0 16 × 25 80 यानी कि 0.625 आता है बाबू। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.625×10⁻¹। अब इसको एसआई यूनिट में जो हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखना सिखाया गया है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखना सिखाया गया है तो उसके बारे में क्या बताया गया है कि एक संख्या के बाद डेसिमल आना चाहिए। तो चलो इसको अगर हम लोग लिखते हैं 6.25 तो इसको क्या करेंगे बाबू, इतना यदि लिखते हैं तो दशमलव वाले पत्ती में हम लोगों ने 7 क्लास में ही पढ़ा है डेसिमल वाले में क्या हो जाता है पावर -1 हो जाएगा, जितना ये डेसिमल राइट हैंड साइड में ले जाएंगे उतना ही 10^ माइनस में जाएगा और जितना लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल को खींचेंगे उतना ही पावर प्लस में जाता है और ये तो आपको भी पढ़ाया नहीं जाएगा, सीधे सीधे रिजल्ट बताया जाएगा। तो बाबू देखो यहाँ पे हमें आंसर आ गया 6.25×10⁻¹। यानी कि अगर हमसे कहा गया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 1 कूलम्ब चार्ज में तो बाबू इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 6.25×10⁻¹। तो दो चीजें आपने यहां सीखा, एक तो भैया इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होगा या प्रोटॉन के पास चार्ज कितना होगा, दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों समान हो जाता है 1 कूलम्ब चार्ज में। अब बाबू देखो इसके बाद हमें पढ़ना होता है कंडक्टर और इंसुलेटर, क्या पढ़ना होता है बाबू कंडक्टर और इंसुलेटर। तो आप सभी को पहले से पता है कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, बचपन से पढ़ते आए हैं। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है बाबू, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो करंट को अपने अंदर से फ्लो करने देगा, करंट को अपने अंदर से फ्लो करने देगा। बाबू अभी हीट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ करंट की बात कर रहे हैं। तो जो भी करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो करने देगा वो कंडक्टर कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा बाबू कंडक्टर। और जो नहीं फ्लो करने देगा वो इंसुलेटर कहा जाएगा बाबू। जो भी करंट को फ्लो करने दिया कंडक्टर, जो नहीं फ्लो करने दिया इंसुलेटर। तो इसको डिफाइन करने की आवश्यकता आई थिंक कि नहीं होना चाहिए, अगर है तो लिख लो दोज सब्सटेंसेस विच क्या हो जाता है बाबू इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू विच कर दो, थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इज नोन एज कंडक्टर या आर नोन एज कंडक्टर। अब बाबू देखो और जिससे सेम टू सेम वही इंसुलेटर के लिए क्या हो जाएगा दोज सब्सटेंसेस थ्रो विच क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर नोन एज इंसुलेटर। अब आओ देखो इसका एग्जाम्पल्स तो आप सभी जानते हैं, कंडक्टर में एग्जाम्पल्स आप लोग ले लेंगे कोई भी मेटल्स हो जाएगा, कोई भी मेटल ले लोगे वो क्या हो जाएगा कंडक्टर हो जाएगा। जैसे ले लो
क्या ले लेते हैं हम लोग बाबू, आयरन। क्या ले लेंगे? आयरन। और क्या ले लें कुछ और देखो बाबू, बताओ हमें क्या होगा आयरन के अलावा? सिल्वर ले लो, हो गया। अब देखो इसमें इंसुलेटर में जो भी नॉन मेटल आप जानते हो उसको ले लो, लगभग लगभग क्या हो जाता है वो सभी हो जाते हैं एल्यूमिनियम है, तो ये क्या हो जाता है, ये तो हो जाता है कंडक्टर। और जो बाकी बच जाता है, जैसे हम लोगों ने प्लास्टिक को ले लिया, पेपर को ले लिया, वुड को ले लिया, ये सभी क्या होता है? इंसुलेटर होता है बाबू। अब देखो बाबू, इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ रहे हैं हम, कंडक्टर देख लिया, इंसुलेटर देख लिया, तो अब देखो बाबू इसमें एक बात आता है कि क्या इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट करेगा बाबू, क्या उससे इलेक्ट्रिसिटी में कोई योगदान है? तो हाँ बाबू है। कैसे है तो समझेंगे। इसके लिए पहले हमें जानना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कई भागों में हमारे यहाँ बटी हुई है, जिसमें से दो प्रमुख भाग हम लोग जानते हैं। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी बाबू। तो देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या अंतर होता है बाबू? देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज रेस्ट में होता है। चार्ज क्या होता है बाबू? रेस्ट में होता है। जैसे मानो हम लोगों ने एक ग्लास रट लिया और उसे घसर दिया किसी चीज में, तो ग्लास रट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो गया एक निश्चित सिरे पे। जैसे ले लो, हम लोगों ने बचपन में देखा था कि हम प्लास्टिक का पिन जो होता था बालों में रगड़ते थे, रगड़ा हमने, रगड़ा तो क्या हो जाता था उस समय, प्लास्टिक का जो पिन होता था वो चार्ज हो जाता था एक कॉर्नर पे, तो वो मेरा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कारण था। क्योंकि इसमें जो चार्ज होता है, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो ये चार्ज जो होगा ऑब्जेक्ट के कहीं एक सिरे पे या किसी कुछ खास पॉइंट्स पे अगर आ गया तो वहीं स्थिर रहेगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर उसका फ्लो नहीं होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर में उसका फ्लो नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कही जाती है, क्योंकि तो चार्ज तो है तो इलेक्ट्रिसिटी में तो पढ़ेंगे बाबू, हमने पहले ही डिफिनेशन बताया था। लेकिन चार्ज फ्लो नहीं किया तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या बाबू? आपने जाना है घर में जो लाइन आता है, हम लोग कहते हैं बिजली आ गई, लाइन आ गई, तो वहां करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है बाबू, क्योंकि उसके एक सिरे को जब चार्ज किया जाता है तो वहां से करंट अंदर की ओर फ्लो करता है दूसरे कॉर्नर तक। तो बाबू आप देखेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो हम लोगों को किसमें देखने को मिलता है? इंसुलेटर्स में देखने को मिलता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी हमें कहां देखने को मिलती है बाबू? करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को कॉमनली मेटल्स में देखने को मिलती है। आप देखो बाबू, अब यहां पे कहता है एक लाइन, द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस मेक इट अ कंडक्टर। द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस मेक इट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा बाबू तो वो क्या हो जाएगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी का कारण होगा। हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही के किसका कारण होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी का कारण होता है। लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना भी हो तो वो हो सकता है बाबू। तो देखो बाबू, अब ये तो बेसिक्स हम लोग रिकैप कर रहे थे, अब आता है हम लोग को पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। बाबू यहां बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होता है बेसिकली। तो पहले हम लोग देख लें कि पोटेंशियल होता क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अगर हमने देख लिया पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन तो हमारा काम यही खत्म हो जाता है। देखो बाबू, पोटेंशियल
पोटेंशियल वर्क जो आता है ये एक्चुअली में क्या है बाबू, पोटेंशियल वर्क डन है ये। पोटेंशियल क्या होता है बाबू, वर्क डन होता है, यानी कि द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। क्या कह सकते हैं, द वर्क डन, ये एक वर्क डन है। कैसा वर्क डन है बाबू, तो यहां ध्यान देना है, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए कहां से कहां तक, एक पॉइंट से इनफाइनाइट तक या इनफाइनाइट से एक पॉइंट तक बाबू, कहां तक हम कह सकते हैं, फ्रॉम इनफिनिटी टू डेड पॉइंट। डेड पॉइंट मतलब जिस पॉइंट के बारे में हम लोग को स्टडी करना था उस पॉइंट के लिए। अब देखो बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बाबू, यहां दिख ही रहा है पोटेंशियल का अंतर मतलब अगर हम लोगों ने दो केस में पोटेंशियल पढ़ा, कहां बाबू, दो केस में पोटेंशियल पढ़ा और उसका डिफरेंस निकाल दिया, तो वो क्या कहलाएगा बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ये भी एक वर्क डन है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, भैया ये कैसा वर्क डन हो जाएगा, तो ये वर्क डन हो जाएगा कैसा, इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, कैसे, एक यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए। यूनिट चार्ज बाबू पॉजिटिव हो निगेटिव हो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे पॉजिटिव पे ही हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। बाबू देखो इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, देखो मानो कि ये एक पॉइंट है किसी कहां पर बाबू, मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब यहां से इस पॉइंट को इनफाइनिटी तक ले जाने में जो वर्क डन हुआ वो हमारा पोटेंशियल कहा गया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, मानो कि एक पॉइंट है और इसको हमने इनफाइनिटी तक ले गया, फिर एक दूसरा पॉइंट है मतलब चार्ज को, यूनिट चार्ज को यहां से इस पॉइंट से यूनिट चार्ज को हमने इनफाइनिटी तक लिया, यहां पे अब क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को समझना है बाबू, तो ये जो वर्क डन हुआ था वो था बाबू वर्क डन। अब देखो यहां पे जब हम इस पॉइंट से एक चार्ज को इनफाइनिटी तक ले गए, फिर दूसरा पॉइंट था यहां से एक चार्ज को सेम इनफाइनिटी पॉइंट तक ले गए, तो बाबू माना कि ये पॉइंट ए था ये इनफाइनिटी थी, ये पॉइंट बी था और ये इनफिनिटी थी, तो यहां पे निश्चित तौर पे जो वर्क डन हुआ है उसको वर्क डन वन मान ले, यहां पे जो वर्क डन हुआ है उसको वर्क डन टू मान ले, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वर्क डन का वही ना मेरा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल का आप लोग मेन अंतर समझ गए, ये कुछ नहीं है पोटेंशियल का ही अंतर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है बाबू कि आपकी उम्र कितनी है, चलो मेरे बारे में पूछो मेरी उम्र कितनी है, किसी बच्चे के बारे में पूछो कितनी उम्र है, तो वो सीधे सीधे जवाब दे देता है, चलो तुमसे पूछा गया तो यू मे बी ऑफ 14 ईयर्स, तो तुम बता दोगे कि सर हम तो हैं 14 ईयर का, तो राम का एज हो गया बाबू, क्या हो गया, राम मान लिए एक बच्चा था जिसका एज पूछा गया था तो वो 14 ईयर हो गया। अब राम से पूछो कि बाबू ये बताओ कि तुम्हारे मम्मी और पापा के उम्र का अंतर क्या है बाबू, तो ये तो एज हो गया 14 ईयर, अब हो जाएगा मेरा एज डिफरेंस, क्या हो जाएगा बाबू एज डिफरेंस, तो एज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जैसे राम का एज था उसी तरह से उसके पापा का भी एज रहा होगा, मे बी पापा का एज 40 ईयर्स, अब उसमें से मम्मी का एज घटाएंगे, मम्मी का एज 35 ईयर्स, देन उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा बाबू
फाइव इयर्स। तो सेम जैसे हमने एज को समझा उसी तरह से पोटेंशियल को समझना है, जैसे एज डिफरेंस को समझा उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस को समझना है। यही तो हुआ राम जन्म से लेकर के आज कितना दिन पास किया, कितना टाइम पास किया उसका एज। सिमिलरली यहां राम के पप्पा का एज जितना टाइम उनने पास किया, फिर राम के मम्मी का एज जितना टाइम उनने पास किया और दोनों के बीच का डिफरेंस। तो बाबू एज और एज डिफरेंस में क्या अंतर हुआ, दोनों तो एक ही जैसी क्वांटिटी हुई ना, वही सेम टू सेम डिफरेंस होता है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का, बाकी इसमें कुछ खास नहीं था। अब बाबू देखो पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम देखते हैं या पोटेंशियल को देखते हैं तो यहां बच्चे इसका एशा यूनिट जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहेंगे बाबू, एशा यूनिट जानना चाहेंगे। तो एशा यूनिट इनका क्या होता है बता दें, एशा यूनिट इनका होता है वोल्ट। दोनों का एशा यूनिट क्या होगा, वोल्ट, क्योंकि दोनों तो एक ही क्वांटिटी है ना बाबू। और वोल्ट को हम वी से सूचित करते हैं, किस से सूचित करते हैं बाबू, वी से सूचित करते हैं। तो हम लोग समझ जाएंगे कि वोल्ट वी है, जहां भी वी लिखेगा हम समझ जाएंगे वोल्ट है और वो पोटेंशियल की बात की जा रही है बाबू। अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बाबू। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। भैया क्यों V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो ये बाबू डिफिनेशन से ही पता चलता है। कैसे, V मतलब पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा V मतलब बाबू, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना के बराबर होता है, वर्क डन, कितना के बराबर होता है वर्क डन, लेकिन यूनिट चार्ज के। तो यूनिट चार्ज जब भी कहेगा तो नीचे मान लो पांच चार्ज को हम लोग ले गए हैं तो पांच से भागा देना पड़ेगा टोटल वर्क डन को। मान लो हमने कहा गया आपसे कि हमने 10 चॉकलेट खरीदा 10 रुपया में, तो एक चॉकलेट का दाम डिवाइड करके निकालेंगे। 10 टॉफी हमने खरीदा, 10 टॉफी का दाम हमने 5 रुपया दिया बाबू, तो 5 रुपये में 10 टॉफी खरीदा है तो 1 रुपया में कितना टॉफी खरीदा, 10/5 यानी कि 2, 10 टॉफी 5 रुपया तो 2 टॉफी 1 रुपया। तो उसी तरह से यहाँ पे टोटल पोटेंशियल जो मेरा होगा वो होगा टोटल वर्क डन अपॉन टोटल क्या, टोटल क्या बाबू होगा, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्यू किसको सूचित करता है बाबू, चार्ज को। डब्ल्यू किसको सूचित करता है, वर्क डन को। और वी किसको सूचित करता है बाबू, पोटेंशियल को या पोटेंशियल डिफरेंस को। बाबू देखो अब इसका अगर हम लोग को यूनिट जब हम पढ़ रहे हैं तो वोल्ट यूनिट जो है ये तो हमने किसी वैज्ञानिक के सम्मान में रखा था, लेकिन एक्चुअल में इसका यूनिट जब पूछा जाएगा आपसे किसी दूसरे चीज के टर्म में तो वो फॉर्मूला बेस्ड हम लोग निकालते हैं। जैसा कि हम लोगों ने 9th क्लास में एक दो एग्जाम्पल्स देखा था वैसे ही निकालते हैं। जैसे देखो हमको बता दिया गया वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, अच्छा तो वर्क डन, वर्क डन का यूनिट क्या होता है बाबू, जूल। वर्क डन का यूनिट क्या होता है बाबू, जूल, हम सभी कोई जानते हैं। और यहाँ पे चार्ज है, क्यू मतलब क्या है चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम। ये वी पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है वी, वी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, सूचित भी करेंगे वी से और V से हम लोग उसका यूनिट भी लिखेंगे। अब दोनों है बच्चे गड़बड़ कर देते हैं बाबू, जब भी कैपिटल V लिखेगा तो समझना पोटेंशियल की बात की जा रही है, और स्मॉल V लिखेगा क्या, स्मॉल V लिखेगा समझ जाना वोल्ट की बात की जा रही है। दोनों सेम टू सेम दिखने में लगता है बाबू। तो ये देखो बाबू वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम, या इसको लिख सकते हैं जूल ऐसे इन्वर्स करके। तो हम लोग को एक नया चीज आ गया कि पोटेंशियल का अगर ऐसा यूनिट पूछा जाए अगर हम लोगों से तो हम लोग अगर जूल पर कूलम्ब कहते हैं तो भी ठीक, वोल्ट कहते हैं तो भी ठीक, और इससे एक रिलेशन आ गया 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम्ब। समझ गए बाबू। अब चलो इस पे एक दो एग्जांपल्स होते हैं उसको देखेंगे
उसके पहले हम लोग एक बात को जान जाए, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम लोग मापते हैं तो एक मशीन होता है, उस मशीन का नाम क्या होता है बाबू? उस मशीन का नाम होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है बाबू? वोल्ट मीटर। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक नंबर के लिए बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस मापने की जो मशीन होती है उस मशीन का नाम क्या होता है? तो बाबू आपने कह देना है वोल्ट मीटर होता है। अब वोल्ट मीटर का गुण क्या होता है बाबू? ये हाई रेसिस्टेंस वाला होता है बाबू। क्या होता है ये? हाई रेसिस्टेंस। वोल्ट मीटर के पास जो रेसिस्टेंस होता है वो हाई होता है। कैसा बाबू रेसिस्टेंस होगा इनके पास? हाई रेसिस्टेंस होगा, हाई रेसिस्टेंस। क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हम लोग हाई रखते हैं, और क्यों हाई रखते हैं बाबू? ताकि वोल्ट मीटर से जब हम लोग करंट पास कराएं तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट पास न कर पाए, और बाबू करंट पास नहीं करेगा तभी वो काम करेगा। करंट मतलब पास तो कर ही जाता है लेकिन बहुत कम, निग्लिजिबल मात्रा में करंट पास करेगा। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि वोल्ट मीटर का जो होता है हम लोग रेसिस्टेंस हाई क्यों रखते हैं? तो रेसिस्टेंस इसका हाई इसलिए रखते हैं कि इसमें करंट के बारे में हम लोग को थोड़ी सी स्टडी करनी होती है, ठीक है। अब देखो बाबू क्या होता है बाबू, वोल्टेज, कभी कभी हम लोग को एक वर्ड आ जाता है वोल्टेज। हम लोग घर में जब बिजली यूज करते हैं बाबू देखना, तो हम लोग कहते हैं वोल्टेज ज्यादा है वोल्टेज कम है, हम लोग कहते हैं 220 वोल्ट चाहिए हमको, कभी कभी हम लोग कहते हैं 440 वोल्ट हम लोग कहते हैं। तो बाबू ये वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज जो वर्ड है ये वोल्ट का ही बड़ा रूप है, वोल्ट का ही बड़ा रूप है बाबू। तो वोल्टेज जो हम कहते हैं एक्चुअली में किसको कहते हैं बाबू? पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं। किसको कहते हैं बाबू? पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम हम लोग वोल्टेज कहते हैं, दूसरा कुछ नहीं है बाबू। अब चलो बाबू इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट बाबू देखो, कहता है 2 कूलम चार्ज को ले जाना है, और हमने कह दिया यहां पे कि एक पॉइंट का, देखो बाबू एक पॉइंट है जहां पे हम लोग का वोल्टेज जो है 118 वोल्ट है, दूसरा पॉइंट लिया 128 वोल्ट। तो बाबू ये तो पोटेंशियल दिया गया है इस पॉइंट पे पोटेंशियल दिया गया है 128, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल लेंगे घटा करके, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, और फिर चार्ज दिया गया है हमको। बाबू चार्ज को किस चीज से सूचित करते हैं? गिवन में देखो चार्ज किस चीज से सूचित करते हैं? क्यू। क्यू कितना हो गया? 2 कूलम। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल ले, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें तो वह आ जाएगा 128 माइनस 118 वोल्ट, यानी कि 10 वोल्ट। अब बाबू हम लोग को फॉर्मूला पता है, क्या पता है? हम लोगों ने पढ़ा था वी बराबर क्या होता था? वर्कडन अपॉन चार्ज। तो वर्कडन यहां से निकालना है तो डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बाबू? तो इसीलिए वर्कडन बराबर हम लोग कह सकते हैं कितना? वर्क डन W इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्या होता है? चार्ज, यानी कि 10 × 2 यानी कि 20। अब बताओ वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? जूल, यानी कि हमारा आंसर आ जाता है 20 जूल। एक बारी में कहानी खत्म। अब देखो बाबू इसी तरह का दूसरा एग्जांपल भी हमारे पास आ सकता है, तो दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम। तो दूसरा एग्जाम्पल आपके बुक से ही लेंगे, कहीं और से नहीं लेंगे हम, देखना है दूसरा एग्जाम्पल बाबू। तो ये फॉर्मूला जो था आपको मैंने बताया, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होगा सारा क्वेश्चन, बस थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा करके देगा, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का अंतर हो सकता है, आप उसी में कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको मैं बता दूं कि जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे
या कमेंट सेक्शन में दे देंगे, उसका आंसर आपको निश्चित तौर पे मिल जाएगा। 100% गारंटी है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। भले ही मैं बिजी रहूंगा तो उसके लिए टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन आंसर आपको जरूर मिलेगा। बाबू देखो दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, हाउ मच एनर्जी इज गिवेन, हाउ मच एनर्जी इज गिवेन, हाउ मच एनर्जी इज गिवेन टू ईच कूलम्ब ऑफ, टू ईच कूलम्ब ऑफ, क्या हो गया बाबू, ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग, कहां से बाबू पास करेगा, पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। बाबू अब आप बना सकते हैं, हाउ मच एनर्जी इज गिवेन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। बाबू यहां पे भी देखो आपने क्या दे दिया गया है, आपको क्या दे दिया गया है बाबू, गिवेन 6 वोल्ट कह दिया, समझ गया आप समझ गए। इससे क्या होता है, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है बाबू, क्या दे दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बाबू, 6 वोल्ट। अब कहता है हाउ मच एनर्जी इज गिवेन टू इच कूलम्ब ऑफ चार्ज, एक कूलम्ब चार्ज में, एक कूलम्ब चार्ज के लिए बात करते हैं बाबू, तो इच कूलम्ब चार्ज यानी कि चार्ज मेरा कितना हो जाएगा, इच मतलब यूनिट, 1 कूलम्ब, इच कूलम्ब कहे तो चाहे 1 कूलम्ब कहे तो एक ही होगा। फिर भैया हमको क्या निकालना है, एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, हमने पढ़ा है इज इक्वल टू डब्ल्यू, आप लोगों ने पढ़ा है कि जितना एनर्जी होगा उतना ही वर्क डन होगा, या वर्क डन हम उतना ही कर सकते हैं जितना हमारे पास एनर्जी होता है, क्योंकि एनर्जी ना तो उत्पत्ति होती है ना तो विनाश होता है, तो वो फॉर्म चेंज करेगा, तो जब हम वर्क करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, फॉर्म चेंज करता है, इसलिए एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होता है बाबू। तो यहां से हम लोग बना लेते हैं, क्या बना लेंगे, हम लोग को क्या निकालना है बाबू, वर्क डन, तो एनर्जी निकालनी है यानी कि वर्क डन निकालना है, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाता है बाबू, आप सभी ने पता है वी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्यू, यानी कि 6 × 1 इज इक्वल टू 6। अब यूनिट डाल दो जूल, हमारा आंसर आ गया। तो बाबू इस तरीके से हम लोगों ने फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी का 10th क्लास का पहला टॉपिक क्लियर किया, तो आगे भी हम टॉपिक इसी तरह से क्लियर करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।